पीरियड ख़त्म होने के 5 से 7 दिन बाद हल्का हल्का दर्द नाभि के निचले हिस्से में महसूस होना, क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? क्या इस कारण से आप माँ नहीं बन पा रही हैं? ये पेन ज़्यादातर महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं और इसके साथ हल्की फुल्की ब्लीडिंग या हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ महिलाएं बहुत घबरा जाती हैं, बताने से भी डरती हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है। तो क्या ये कोई बड़ी समस्या है या ये एक बॉडी का नॉर्मल नेचर है, बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के दौरान होने वाला दर्द, क्या ये आपके माँ बनने पर इफ़ेक्ट डालता है कि नहीं डालता है और ये क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने खुद एक्सपीरियंस ये चीज़ की होगी कि आपके पीरियड ख़त्म हुए 7 से 8 दिन बाद या 5 से 7 दिन बाद ओवरी एक अंडाशय के साइड में नाभि के, ये आपका मानिए नाभि का निचला हिस्सा है, आपकी जो एक साइड की ओवरी है उस साइड पर एक ऐसा मोमेंट आपको महसूस हो रहा है और टाइम के साथ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, टाइम के साथ ये पेन आगे की तरफ बढ़ रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है, या आपको एक पिन जैसे चुभोई जा रही है, जैसे कि आपको कोई पिन चुभा रहा है, आपको एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है और ये आपके पीरियड ख़त्म होने के 5 से 7 दिन या 7 से 8 दिन बाद आपको ये महसूस हो रहा है, तब ये दर्द ओव्यूलेशन का पेन होता है। ये ओव्यूलेशन का पेन आपको कभी कभार पिन पॉइंट जैसा दर्द महसूस होगा, कभी कभार ये दर्द थोड़ा हैवीनेस आपको महसूस होगी और कभी कभार ये दर्द ऐसे महसूस होगा कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जैसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, ये आपको आपके ओव्यूलेशन का समय बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप इस दौरान यदि रिलेशन बनाते हैं तब आपके माँ बनने के चांसेस 90% हैं। तो इस समय पर रिलेशन बनाने से आप माँ जल्दी बन जाती हैं, तो इसका ये भी एक बेनिफिट होता है। तो ये जो पेन होता है और इसके साथ हल्की हल्की सी स्पॉटिंग का आना, देखिए होता क्या है, ओवरी से एग रिलीज होता है, फॉलिकल से एग निकलता है और इस पूरी प्रक्रिया में जो हल्की फुल्की आसपास से जो हल्की सी ब्लीडिंग आती है वो आपको स्पॉटिंग के रूप में नज़र आ जाती है। तो आप घबरा जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अभी तो पीरियड ख़त्म हुए तब फिर से मुझे पीरियड आ गए। तो ये चीज़ आपको संकेत दे रही है कि ओव्यूलेशन का समय आ गया। ओवरी के एक साइड पर दर्द होना ये बिल्कुल आम बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यदि ये दर्द बढ़ता चला जाता है समय के साथ, ये कुछ घंटों से लेकर के 1 से 2 दिन तक रह सकता है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग से लेकर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। यदि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब अच्छी खासी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तब डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत है, जो कि 1% हो सकती है, बाकी 99% ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का। ओव्यूलेशन के समय पर दर्द होना और हल्का सा ब्लड आ जाना, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में आ ही जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि आपको इंडिकेट कर देता है कि यदि आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके माँ बनने के चांसेस 90% होते हैं। तो इस दौरान आपको रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी माँ बन जाए। ये हर उम्र के लिए है, यदि आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है और आपको फील होता है ये ओव्यूलेशन के दौरान होने वाला दर्द, आपको पता है कि ओव्यूलेशन का समय आ गया है और आप रिलेशन बना रही हैं, तब आप जल्दी से जल्दी माँ बन जाती हैं। अब कुछ 1% में होता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है या आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, उस कारण से आपको दर्द हो रहा है, जो कि 1% में है, बाकी ये आपके ओव्यूलेशन के समय होने वाला दर्द है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसको कैसे ठीक कर सकती हैं? देखिए, इस दौरान ओव्यूलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ऑलराइट। तो यदि आप माँ बनना चाहती हैं तो हॉट बॉटल का प्रयोग ना करें, और यदि आपको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपको दर्द हो रहा है तब आप इसको हॉट बॉटल से उस जगह पर आप थोड़ा सा हीट दें, दर्द की गोली खाएं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है
और यदि आप माँ बनना चाहती हैं, ना तो आपको हॉट बॉटल से सिकाई करनी है और ना ही आपको दर्द की गोलियाँ खानी है, ना आपको इंजेक्शन्स लगवाने हैं, नहीं तो फिर ये होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे, जो कि ज़्यादातर महिलाओं के सवाल मेरे पास होते हैं कि मैम ओव्यूलेशन का पेन तो होता है लेकिन फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको हॉट बॉटल का प्रयोग नहीं करना है, दवाई गोली नहीं करानी है, और यदि आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए हमें, तो फिर आप हॉट बॉटल का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।